हेलो दोस्तों वेलकम टू स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम क्लच की डिजाइन के कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जांपल से अन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलपिंग अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 200 हंड्रेड न्यूटन मीटर हैज सिंगल ड्राई प्लेट क्लच द आउटसाइड डायमीटर इज वन टाइम्स द इनर डायमीटर द मैक्सिमम एलोवेबल प्रेशर इंटेंसिटी फॉर द क्लच फेसिंग इज नाइन्टी किलो पासकल एंड द को ऑफ फ्रिक्शन इज वन सॉरी and the coefficient of friction is 0.3, assuming the uniform wear of lining, determining determining the dimension of clutch plate and axial force of the spring. to तो dekho दोस्तों सबसे पहले yahan पर एग्जाम्पल में कौन कौन सी चीजें दी हुई है वो देख लेंगे सबसे पहले देखो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क कितना है तो यहां पे दोस्तों जो टॉर्क है वो है सबसे पहले हम जो है वो गिवन डेटा लिख देंगे गिवन डेटा ठीक है सबसे पहला जो हमारा काम है वो है गिवन डेटा लिखना कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू हमें दी गई है तो यहां पे हमको दिया हुआ है मैक्सिमम टॉर्क यानी कि टी तो टी है वो है टू हंड्रेड न्यूटन मीटर ठीक है जो टी है वो है टू हंड्रेड न्यूटन मीटर फिर बात की गई है सिंगल प्लेट क्लच के बारे में और आउटसाइड डायमीटर जो है वो है वन पॉइंट टू दी इनर डायमीटर यानी कि आउटसाइड डायमीटर डी ओ ज इक्वल टू वन पॉइंट टू टाइम द इनर डायमी डी आई ठीक है दूसरी चीज जो दी गई है वो है मैक्सिमम एलोवेबल प्रेशर इंटेंसिटी फॉर द क्लच फेसिंग इज नाइंटी किलो पासकर तो हमें प्रेशर इंटेंसिटी दी हुई है यहां पे वो है नाइनटी किलो पासकर ठीक है और को एफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है वो है पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री ठीक है अभी यहां पे हमें यूनिफॉर्म वियर कंडीशन को कंसीडर करना है अभी देखो दोस्तों जो क्लच के जो एग्जाम्पल्स है वो दो मेथड से सॉल्व होते हैं सबसे पहली जो थियरी है वो है यूनिफॉर्म प्रेशर थियरी और दूसरी थियरी वो है यूनिफॉर्म वियर थियरी ये जो सम है वो हमें दिया है यूनिफॉर्म वियर थियरी का तो इसके लिए दोस्तों हमें तीन इक्वेश याद रखने हैं तीन इक्वेश बहुत ही ईजी है उसको हमें याद रखना है तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों यूनिफॉर्म वियर थियरी के लिए यूनिफॉर्म वियर थियरी ठीक है यूनिफॉर्म वियर थियरी के लिए जो टॉर्क ट्रांसमिट होगा जो टॉर्क ट्रांसमिट होगा उसकी वैल्यू होगी टू म्यू डब्ल्यू आर ठीक है वहां पे म्यू की जो वैल्यू है वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डबल्यू वो है एक्सीयल फोर्स और जो आर है वो है हमारा इफेक्टिव मीन रेडियस ठीक है अभी यहां पे जो W है एक्सीयल फोर्स ठीक है W उसकी वैल्यू होगी टू पाई पी आर आर ओ माइनस आर आई और जो मिन इफेक्टिव रेडियस है उसकी वैल्यू होगी आर ओ प्लस आर आई डिवाइडेड बाय टू ठीक है यूनिफॉर्म वीयर थियरी के लिए ये जो दो इक्वेशन है उसको रेडी कर दो आप यही इक्वेशन है उसको आपको सिर्फ वैल्यू पुट आउट करनी है यहां पे ठीक है और फाइनली W और आर की जो भी वैल्यू होगी उसको हमें ये टी वाले इक्वेशन में टॉर्क वाले इक्वेशन में डालना है और कुछ नहीं करना है इट इज वेरी सिंपल ठीक है अभी देखो दोस्तों सबसे पहले यहां पे टॉर्क दिया हुआ है वो है 200 न्यूटन मीटर अभी आउटसाइड डायमीटर है वो है 1.2 टाइम्स इनर डायमीटर तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या आर ओ इज इक्वल टू वन पॉइंट टू आर आई ठीक है आर ओ इज इक्वल टू वन पॉइंट टू आर आई और जो प्रेशर इंटेंसिटी है 90 किलो पासकल ठीक है यहां पे जो प्रेशर इंटेंसिटी है 90 किलो पास उसको हम कन्वर्ट कर देंगे नाइन्टी क्रॉस वन थाउजेंड पासकल में ठीक है पास्कल में कन्वर्ट कर दिया सबसे पहला काम ठीक है ये हो गया फिर सबसे पहले हम यहां पे क्या फाइंड करेंगे W फाइंड करेंगे यहां पे देखो सबसे पहले W फाइंड करेंगे उसके बाद R को फाइंड करेंगे और जो वैल्यू निकलेगी दोनों की उसको हम लिखेंगे ये वाले इक्वेशन में ठीक है ठीके? तो चलो सबसे पहले एक्सियल फोर्स यहां पे क्या होगा एक्सीयल फोर्स एक्सीयल फोर्स जो है डबल यू उसकी जो इक्वेशन है टू पाई पी आर आर ओ माइनस आर आई ठीक है ठीक है ओके अभी नेक्स्ट वैल्यू यहां पे हम पुट आउट करेंगे टू क्रॉस थ्री पॉइंट फोर्टीन पाई की वैल्यू है प्रेशर इंटेंसिटी जो हमें दी हुई है 90 किलो पास्कल तो हमने यहां पे कन्वर्ट कर दिया पास्कल के अंदर 90 क्रॉस टेन इंस टू क्यूब नाइनटी क्रॉस टेन इंस टू क्यूब ठीक है अभी दोस्तों यहां पे आर की वैल्यू है आर ठीक है तो ये स्मॉल हार की वैल्यू क्या होगी तो देखो दोस्तों आर की वैल्यू आपको इनसाइड रेडियस की वैल्यू कंसिडर करनी है आर की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे आर आई आर की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे हम आर आई अभी यहाँ पे आर आई क्यू कंसिडर करने वाले हैं क्योंकि जो मैक्सिमम प्रेशर बनेगा जो मैक्सिमम प्रेशर बनेगा वो इनसाइड रेडियस पर ही बनेगा देखो अभी क्लच जो डिस्क है क्लच डिस्क जो है तो क्लच डिस्क के दो डायमीटर होते हैं हमें पता है एक इनसाइड डायमीटर है आउटसाइड डायमीटर है ठीक है ये आर आई और ये है आर ओ ठीक है ये है आर आई और एक है आर ओ अभी जो मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट होगा ना दोस्तों वो यहां पर होने वाला है ठीक है सबसे ज्यादा प्रेशर यहां पे आर पे कन्वर्ट आर पे जनरेट होने वाला है इसीलिए हम फोर्स के लिए आर को कंसिडर करेंगे तो यहां पे हम वैल्यू पुट आउट करेंगे क्रॉस 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 टू क्यूब मल्टीप्लाई विथ आर अभी आर की वैल्यू तो हमें दी नहीं है नहीं दी है ना यहाँ पे देख सकते हैं हम देखो कि आर है वो है उसकी वैल्यू वन पॉइंट टू आर आई ठीक है तो आर को तो हम ऐसे ही रखने वाले आर आई ठीक है और नेक्स्ट आर ओ तो आर ओ क्या हो गया तो आर ओ क्या हो गया 1.2 पॉइंट टू टाइम्स आर आई तो यहां पर वैल्यू लिखेंगे 1.2 पॉइंट टू आर आई माइनस आर आई ठीक है ओके अभी नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो चलो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 2.34 सॉरी 2 क्रॉस 3.14 क्रॉस 90 क्रॉस 10 इज टू क्यूब

तो जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी वन वन थ्री जीरो फोर जीरो आर आई स्क्वेयर ठीक है तो यहां पे जो वैल्यू मिलेगी वो हमें आर आई के टम में मिलेगी तो ये जो है वो है हमारा W उसके बाद हम फाइंड करने वाले हैं इफेक्टिव मीन रेडियस इफेक्टिव मीन रेडियस तो इफेक्टिव मीन रेडियस इफेक्टिव मीन रेडियस जो है उसका जो इक्वेशन वो हमने देखा कैपिटल आर इज इक्वल टू आर ओ प्लस आर आई डिवाइडेड टू वैल्यू पुट आउट करेंगे आर ओ की वैल्यू क्या थी आर ओ की वैल्यू क्या थी तो आर ओ था वो था वन पॉइंट टू आर आई ठीक है और आर आई तो वैसे ही ऐसे ही निकले ऐसे ही लिखने वाले हम डिवाइडेड बाय टू तो यहां पे वैल्यू जो होगी वो होगी टू पॉइंट टू आर आई डिवाइडेड बाय टू वन पॉइंट टू आर आई प्लस आर आई होगा टू पॉइंट टू आर आई तो टू एंड टू पॉइंट टू है तो यहां पे होगा वन पॉइंट वन ठीक है तो जो कैपिटल आर की वैल्यू हमें मिलेगी वो है हमारा वन पॉइंट वन आर आई ठीक है और जो W की वैल्यू हमें मिलेगी वो है वन वन थ्री जीरो फोर जीरो आर आई स्क्वेयर अभी इन दोनों वैल्यू को इन दोनों वैल्यू को हमें हमारे A वाले इक्वेशन में ये T वाले इक्वेशन में डालना है वो है हमारा टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सिंगल प्लेट क्लच ठीक है वो होगा टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सिंगल प्लेट क्लच यहाँ पे हम टू वैल्यू क्यों लिखते हैं क्योंकि सिंगल प्लेट क्लच के अंदर दो पैर कॉन्टेक्ट में होती है ठीक है सिंगल प्लेट क्लच के अंदर जो सिंगल प्लेट क्लच है वो दो साइड से कनेक्टेड होती है सिंगल प्लेट क्लच की जो एक साइड है वो फ्लाईवील के साथ कनेक्शन में होगी और जो उसकी दूसरी जो साइड है वो कनेक्शन में होगी प्रेशर प्लेट के साथ जैसे देखो यहां पे ये ये सिंगल प्लेट प्लेट क्लच है 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 ठीक यहां पे होगा फ्लाई व्हील एफ और यहां पे होगा हमारा प्रेशर प्लेट तो ये जो दो साइड है ना वहां पे कनेक्शन होने वाला है ये दो साइड पे कनेक्शन होने वाला है तो इसीलिए टू पेयर कॉन्टेक्ट में आ रही है इसीलिए हमने यहां पर टू लिखा है तो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सिंगल प्लेट क्लच इज इक्वल टू तो टू म्यू डब्ल्यू आर डब्ल्यू की और आर की वैल्यू जो हमें यहां पे मिली है उसको हमें लिखनी है टी के इक्वेशन में तो चलो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट हम लिखेंगे यहां पे टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सिंगल प्लेट ड्राई क्लच, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सिंगल प्लेट क्लच टी इज इक्वल टू टू म्यू डब्ल्यू आर ओके देखो टोर्क की वैल्यू थी वो हमें ऑलरेडी दी हुई है टू हंड्रेड ठीक है और टू तो वैसे ही लिखने वाले म्यू की वैल्यू है जीरो पॉइंट थ्री है ना और जो डब्ल्यू की वैल्यू आई थी वो थी वन वन थ्री जीरो फोर जीरो आर आई स्क्वेर यहां पर हम देख सकते हो यहां पे और जो आर की वैल्यू है वो भी हमें मिली है वन पॉइंट वन आर आई ठीक है अभी यहां पे मल्टीप्लीकेशन करो इन तीनों का सबसे पहले ये जो वैल्यू है ये और ये अभी यहां पर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो है सेवन फोर सिक्स जीरो सिक्स पॉइंट फोर आर आई क्यूब ठीक है सेवन फोर सिक्स जीरो सिक्स पॉइंट फोर आर आई क्यूब ये वैल्यू हमें मिलेगी अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें दोस्तों सिर्फ ये जो वैल्यू है उसको टू हंड्रेड के डिनोमिनेटर दिनोमि में लेके जाएंगे ठीक है तो यहां पे क्या वैल्यू होगी तो फोर आर आई क्यूब की वैल्यू होगी 200 हंड्रेड डिवाइडेड बाय सेवन फोर सिक्स जीरो सिक्स पॉइंट फोर अभी यहां पे अभी हमने यहां पे देखा दोस्तों कि जो आर आई क्यूब की जो वैल्यू हमें निकल के आ रही है वो वैल्यू है 2.680735 पॉइंट सिक्स एट जीरो सेवन थ्री फाइव क्रॉस टेन एस टू माइनस थ्री मीटर क्यूब ठीक है यहां पे जो वैल्यू होगी वो मीटर क्यूब में निकल के आएगी क्यों क्योंकि जो टॉर्क है वो न्यूटन मीटर के अंदर दिया हुआ है इसीलिए मीटर क्यूब में आएगी अभी हम क्या करेंगे इसको मीटर क्यूब है टेन एस टू माइनस क्यूब है तो उसको एमएम mm क्यूब में कन्वर्ट कर दिया तो वैल्यू होगी टू सिक्स एट जीरो सेवन थ्री फाइव एमएम क्यूब ठीक है अभी नेक्स्ट जो वैल्यू है आर आई क्यूब की तो हमें फाइंड करनी आर आई यानी कि इनसाइड रेडियस ऑफ दी क्लच ठीक है जो क्लच प्लेट है उसकी इनसाइड रेडियस आर आई हमें यहाँ पे मिल जाएगी तो यहाँ पे हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे यहां पे हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे टू सिक्स एट जीरो सेवन थ्री फाइव का ठीक है तो उसकी जो वैल्यू है वो निकल के आएगी वन थ्री एट पॉइंट नाइनटी टू एम एम तो हमें यहां पे क्या मिला इनसाइड रेडियस मिल गया क्लच का तो इनसाइड रेडियस तो हमें मिल गया इनसाइड रेडियस ऑफ क्लच इन साइड रेडियस ऑफ क्लच प्लेट इन साइड रेडियस ऑफ क्लच प्लेट आर आई इज इक्वल टू वन थर्टी एट पॉइंट नाइनटी टू एम एम ठीक है दोस्तों अभी जो नेक्स्ट वर्क है वो हमारा नेक्स्ट काम जो है वो है आउटसाइड रेडियस को फाइंड करना ठीक है तो आउटसाइड रेडियस क्या होगा हमें पहले ही आगे कंडीशन दी हुई है आउटसाइड रेडियस ऑफ क्लच प्लेट आउटसाइड रेडियस ऑफ क्लच प्लेट वो हमें कंडीशन दी हुई है क्या गिवन कंडीशन थी आर ओ इज इक्वल टू वन पॉइंट टू टाइम्स आर आई ठीक है तो यहां पे वैल्यू होगी वन पॉइंट टू आर आई की जगह पे ये जो वैल्यू मिली है वो हम यहाँ पे लिखेंग, लिखेंगे वन पॉइंट थर्टी एट पॉइंट नाइनटी टू ठीक है तो ये वैल्यू क्या होगी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो टू मल्टीप्लाई विथ वन थर्टी एट पॉइंट नाइनटी टू तो वो वैल्यू होगी टू सेवन सेवन पॉइंट एट्टी फोर एम एम ठीक है तो ये जो वैल्यू हो गई वो है आउटसाइड रेडियस ये जो वैल्यू थी वो इनसाइड रेडियस यानी कि हमें जो एग्जाम्पल में बोला गया था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द क्लच प्लेट तो ये है आर आई एंड आर ओ ठीक है अभी नेक्स्ट जो चीज हमें एग्जाम्पल में पूछी है वो है स्प्रिंग फोर्स फाइंड करना है हमें दूसरी जो चीज यहां पे एग्जाम्पल में दी थी वो है एक्सियल फोर्स फाइंड करना था हमें डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द क्लच प्लेट एंड एक्सीएल फोर्स ऑफ द स्प्रिंग ठीक है तो एक्सीएल फोर्स तो हमारे पास पहले ही पहले ही ऑलरेडी एग्जाम्पल में हमारा तो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है एक्सीएल फोर्स का तो सिर्फ उसमें वैल्यू पुट आउट करेंगे तो नेक्स्ट जो चीज है वो फाइन करेगी करनी है वो है हमें एक्सीएल फोर्स ठीक है तो एक्सीएल फोर्स डब्ल्यू क्या होगा तो W होगा टू पाई पी आर आई ब्रैकेट में आर ओ माइनस आर आई देखो दोस्तों ये जो इक्वेशन है प्रिपेयर कर लो ठीक है अगर आपको यूनिफॉर्म वियर कंडीशन दी हुई है तो इक्वेशन आपको याद रखना है W इज इक्वल टू टू पाई पी आर आई आर ओ माइनस आर आई हमारे पास सब वैल्यू है यहाँ पे टू मल्टीप्लाई विथ थ्री पॉइंट फोर्टीन मल्टीप्लाई विथ पी की वैल्यू भी थी हमारे प्लस हमारे पास नाइनटी क्रॉस वन थाउजेंड ठीक है आर आई की वैल्यू क्या मिली हमें वन थर्टी एट पॉइंट टू ठीक है और ब्रैकेट में अंदर लिखेंगे आर ओ की वैल्यू टू सेवनटी सेवन पॉइंट एटी फोर माइनस वन थर्टी एट पॉइंट टू अभी यहां पे वैल्यू हम निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी तो वैल्यू हमें मिलेगी टू वन एट वन पॉइंट फाइव न्यूटन ये है हमारा एक्सीयल फोर्स ठीक है टू वन एट वन पॉइंट फाइव ओके okay, दोस्तों अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन को लेके क्लच का क्लच के डिजाइन के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो थैंक यू फॉर वॉचिंग